नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त गोकुल पाटिल। दोस्तों, जिस तरह से ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, लोगों के पास कम से कम जगह में सीढ़ी बनाने का शोर मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में बहुत ही स्मार्टली तरीके से बनाया जाने वाला एक बहुत ही शानदार सीढ़ी आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और साथ में यहाँ पर मकान मालिक ने पुराना सीढ़ी किस तरह से तोड़ दिया है और वो सीढ़ी की जगह उनको कैसे काम में आ गई है। दोस्तों, यहाँ पर मिस्त्री ने भी अपना काफ़ी दिमाग अच्छा चलाया है इस सीढ़ी को बनाने में, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर ने भी इनको कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने माल मटेरियल के साथ में अपना काम रखा हुआ है, फिर भी कोई चीज़ की कमी मिस्त्री या मजदूर को नहीं आने दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीढ़ी के डायमेंशन की। आप देख रहे हैं सीढ़ी की चौड़ाई जो है 3 फीट रखा गया है, जिसे सभी तरफ 3 फीट का सीढ़ी यानी कि बहुत ही स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। और साथ ही साथ बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड की चौड़ाई है 10 इंच और राइजर इन्होंने रखा है दोस्तों 8 इंच का। राइजर 8 इंच का इसलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि ये सीढ़ी 2 स्टेप में स्लैब में रेस होने वाला है और इनके पास जगह 6 ही फीट है सीढ़ी बनाने के लिए। फिर भी इन्होंने लैंडिंग पे आप देख सकते हैं एक टप्पा और भी आएगा, जिसे ट्रेड बोला जाता है। एक ट्रेड और राइजर मिला के एक टप्पा बोला जाता है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी भी उम्र वाले इंसान चढ़ सकते हैं और सामान भी चढ़ा सकते हैं। इस मकान का ये पुराना सीढ़ी है दोस्तों, एकदम सीधा इन्होंने लिया था और इनके पहले ट्रेड और राइजर थे 9 इंच बाय 9 इंच के। अभी तक मकान मालिक ने ये सीढ़ी नहीं तोड़ा है दोस्तों, लेकिन 1-2 दिन के बाद में ये सीढ़ी भी टूट जाएगा और जो सीढ़ी का जगह है अंदर से हॉल में एकदम पूरे पूर जगह काम में आ जाएगी। ऐसे सीढ़ी से दोस्तों हॉल का पूरा डिजाइन बिगड़ जाता है। इसके बाद में अगर ऊपर पहली मंजिल पे अगर किसी को जाना है तो कहाँ पर घूम के जाएगा आदमी, तो उसके लिए एंट्री तो हॉल में से ही देना पड़ता है ना। इस सीढ़ी को तोड़ने के बाद में ऊपर का छत भी इनका बड़ा हो जाएगा और ऊपर जाने के लिए पहली मंजिल पे ये सीढ़ी पर से घूम के आदमी जाएगा या से राउंड घूमेगा, जिसको आप देख रहे हैं वो लैंडिंग है सीढ़ी का। और नीचे ग्राउंड फ्लोर की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर भी सीढ़ी के नीचे जो जगह बचती है वो जगह किस काम में भी नहीं आती है, हॉल भी दबा हुआ लगता है। अभी यहाँ पर जो ये सीढ़ी बनाया जा रहा है दोस्तों, इसका एंट्री बाहर से बाहर ही रहेगा, सीढ़ी के ऊपर से आदमी घर में होकर नहीं जाएगा। ये देखिए सामने ये पूरा पैक होने वाला है, क्योंकि इस लैंडिंग से होने के बाद में ये सीढ़ी यहाँ पर रेस्ट होगा। हालांकि पहले ये बालकनी था उनका। ऐसी सीढ़ी बनाने में लोहा ज़्यादा लगता है दोस्तों, खर्चा भी ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें मजदूरी भी जाती है, लेकिन तोड़ना नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत ही कम जगह में इसको बनाया गया है। दोस्तों, इस सीढ़ी में रेनफोर्समेंट कैसे दिया जाता है, सरिया कैसे बांधा जाता है, वो आप लोग अगले वीडियो में देख सकते हो। आज इनका इतना काम हुआ है, मैंने इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करके अपलोड कर दिया है, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में अगर दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, और वीडियो को कोई देखता नहीं है पूरी और किसी के समझ में नहीं आती है। हमारा मिस्त्री का और कॉन्ट्रैक्टर का दिमाग आपको कैसा लगा सीढ़ी बनाने के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।